विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन का आज 17वां दिन है। उनकी मांगों को नहीं माने जाने से नाराज किसानों ने आज दिल्ली जयपुर रोड जाम करने की कोशिश की। वहीं आज के बाद किसानों का आंदोलन और उग्र होने जा रहा है। किसानों नेताओं ने सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि उनकी मांगे नहीं माने जाने को लेकर वे कल 11 बजे से जयपुर दिल्ली जाने वाले रोड को जाम करने के लिए हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि और अध्यक्ष स्टेज पर 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम अपनी माताओं और बहनों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करते हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर संयुक्ता किसान आंदोलन के नेता कमलप्रीत सिंह पन्नू ने मोदी सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को विफल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। देश में मौसम अचानक बदल गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कई राज्यों शहरों में बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ेगी। देश के कई इलाकों में दो दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ शीतलहर की भी शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने डॉक्टरों को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार पीजी करने के बाद अब डॉक्टरों को 10 साल तक सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं देनी होगी। 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर उसे यूपी सरकार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा को शुक्रवार को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद रेमो डिसूजा को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर नेकी कर सुर्खियों में आ गए हैं। किंग खान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल शाहरुख खान ने दिल्ली को 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन डोनेट किए थे। इसके लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शाहरुख खान का शुक्रिया अदा किया है। सत्येंद्र जैन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये खबर शेयर की है और शाहरुख खान का आभार व्यक्त किया है।